গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কানে প্রবেশিলা হৃদয় নির্মল ভেল তার গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কানে প্রবেশিলা হৃদয় নির্মল যে গৌরাঙ্গের নামলয়ে তার হয়ে প্রেমোদয়ে তারে মুই যাই বলিহারি যে গৌরাঙ্গের নামলয়ে তার প্রেমোদয়ে তারে মুই যাই গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তারে স্ফুরে সে জন ভক্তি অধিকারী গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে সে জন গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে সে যায় গৌড়মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি তার হয়ে ব্রজ ভূমি বাস শ্রী গৌড়মণ্ডল ভূমি যেবা জানে গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যে বারুবে সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ গৌর প্রেম রসার্ণবে গৃহে বাবনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ গৃহে বাবনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ দুটি পদ যার ধন সম্পদ সে জানে ভক্তি রস সার গৌরাঙ্গের দুটি পদ সে জানে ভক্তি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जय प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद हरि हरि बोल 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 हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल जय हरि नाम संकीर्तन की जगत कृष्ण प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगन रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखंगरति वाचालं भंगं लंघयति क्रमे चतुर्पादं वंदे श्रीगुरुदिने तारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्द माधवं नमो महामदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवदिशे नमः हरे कृष्ण सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज प्रातकालीन कक्षा में। तो ये जो भजन हम गाए बहुत सुंदर भजन था, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद, महाप्रभु के जो दोनों चरण है जिनका धन और संपद है वही भक्ति का रस को जानता है, सार रस को जानता है। गौरांगर मधुर लीला जारे करने पर प्रवेशिला, गौरांग महाप्रभु का मधुर लीला जिसके कर्ण में प्रवेश करता है उसका हृदय क्या हो जाता है, निर्मल, कोई मल नहीं रहता है। हरे कृष्ण हरि 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 बोल। जे गौरांगेर नाम लय तार होय प्रेमोदय, जो भी गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है तार क्या होता है,
प्रेम उदय, उसका प्रेम उदय हो जाता है। अभी तो पता नहीं, तो इधर उधर नहीं हाथ लगाना चाहिए ना। क्या कर रहे हैं, इको कम कर रहे हैं ना, इको सेकंड स्विच है, वो वॉल्यूम कम कर रहे हैं आप, वो अभी बढ़ा रहे हैं आप। हरे कृष्णा, ठीक छोड़ दीजिए। जे गौरांगेर नाम लोय तार होय प्रेमोदय, जे जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है उसका क्या हो जाता है, प्रेम उदय हो जाता है। बोले गौरांग तारे मुई जाई बलिहारी। तो चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, मैं तो जो है उसका क्या बन जाता हूँ, सेवक बन जाता हूँ, है ना, जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है कि नहीं। और गौरांग गुणेते झुरे नित्य लीला तारसपुरे, जो गौरांग गुण को क्या करता है, है ना, स्मरण करता है, या नित्य लीला तारसपुरे, उसके अंदर क्या होता है, भगवान की नित्य लीला भी जो है वो स्फुरित होती रहती है, और वही भक्ति का अधिकारी है। गौरचंद्र के संगियों को नित्य सिद्ध मानने वाला व्यक्ति ब्रजेंद्र सुत श्री कृष्ण के पास उनके परम धाम को जाता है। जो सिर्फ यही मान लेता है कि गौरांग महाप्रभु के जो संगी है वो कौन है, नित्य सिद्ध है, तथा श्री गौड़ मंडल की भूमि, गौड़ मंडल मतलब जहाँ जहाँ पे महाप्रभु लीला किए हैं, जहाँ जहाँ पे जो है अपना चरण रखे हैं ना, उसी हिसाब से इसको भी गौड़ मंडल कहा जाएगा। गया में भी भगवान से आए हैं। जो चिंतामणि के सदृश प्राकृत मानता है वो ब्रज भूमि में वास करता है। जो गौर सुंदर के प्रेम रस की तरंगों में डूब जाता है वो श्री राधा माधव के का अंतरंग पार्षद बन जाता है। वो गृह में रहे या वन में रहे, यदि वो गौर सुंदर के प्रेम रस सागर में डूबकर हा गौरांग हा गौरांग हा गौरांग कहकर पुकारता है, तो नरोत्तम दास ठाकुर उसके संग की कामना करते हैं। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर के कितने प्रेम है महाप्रभु के प्रति, हैं, कह रहे हैं कि जो गौरांग महाप्रभु का नाम ले लेगा, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं मैं उनका संग की कामना करता हूँ। तो आज हम बहुत दिनों के बाद चैत्र मंगल पढ़ रहे हैं। पहले मैं पढ़ रहा था तो ये मध्य खंड के चौथे अध्याय तक पढ़ा था, तो प्रयास करूँगा थोड़ा और आगे कंटिन्यू करने का। तो आज ये पांचवा अध्याय है, श्री अद्वैत हरिदास मिलन। जय जय गौर जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय गौरचंद्र जय जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो श्रील लोचन दास ठाकुर जो लिखे हैं ये अद्भुत राग है, जो बंगाली में एक राग है, तो कहीं कहीं पे वो वर्णन करते हैं कि किस किस राग में लिखता हूँ। तो ये जो अभी जो पहला जो कर रहे हैं ये तुड़ा राग बोल रहे हैं, तुड़ा राग है ये। गौरार पूर्व पड़ छ आमे तेई गौरा कांदे रे, भगवान गौर चंद्र जो है वो क्या करते हैं, क्रंदन करते हैं, वे भगवान गौर ही मेरे हृदय में प्रकट हो। इस प्रकार शुरू कर रहे हैं लोचन दास ठाकुर। आरो अपरूप कथा कहिब एखन ना देखिल ना सुनिल हेन आचरण सकल लोकेर नाथ क्षिति अवतार भाग्य करी ना मानह केने आपनार। कह रहे कि अब मैं एक अद्भुत कथा सुनाऊंगा,
आप सबको लोचनदास ठाकुर सुना रहे हैं। किसी ने भी भगवान गौर की इन लीलाओं को न देखा है और न ही कभी उनका श्रवण किया है। भगवान गौर ही सभी लोगों के स्वामी हैं जो इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, परंतु कुछ लोग उन्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। और फिर जो है इस श्रवण का क्या महत्व है बता रहे हैं आप लोगों के लिए। पाषंडी, अपराधी, हृदयवान एवं जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है तथा भगवत माया से जिनके हृदय जड़वत हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि भगवान गौरांग के दिव्य गुण का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से उनके हृदय शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि बारंबार जन्म मृत्यु रूपी इस व्याधि का नाश इसी गौर गुणों की कथा से होता है। बोले गौरांग, गौरांग क्या कह रहे हैं, बोलो हमारे बारे में बता रहे हैं। पाषंडी, अपराधी, हृदयवान एवं जिनकी हृदयवान, हृदयवान मतलब क्या है, हृदय है ऐसा होना चाहिए ना, या हृदयहीन होना चाहिए, जो भी है, और जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, हम सब का बुद्धि नष्ट हो गया ना, तथा भगवत माया से जिनके हृदय जड़वत हो गया है, ऐसे व्यक्ति भी भगवान गौरांग के दिव्य गुणों का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से उनके हृदय शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि बारंबार जन्म मृत्यु रूपी इस व्याधि का नाश इसी गौर गुणों की कथा से होता है। एक दिन भगवान विश्वंभर ने रात्रि के तृतीय प्रहर में क्रंदन करना प्रारंभ कर दिया। कौन से प्रहर में? तृतीय प्रहर में। पूरा दिन जो है कितने प्रहर का होता है? आठ प्रहर, मतलब दिन रात मिला के आठ प्रहर होता है। तो दिन चार प्रहर, रात भी चार प्रहर है। तो रात्रि में तृतीय प्रहर के अंत में उन्होंने क्या किए, क्रंदन करना आरंभ कर दिए। उस समय आश्चर्यचकित होकर सची माता ने अपने पुत्र से पूछा, हे विश्वंभर, तुम क्यों क्रंदन कर रहे हो, मुझे बताओ तो। तुम्हारा क्रंदन सुनकर ऐसा लग रहा है मानो मेरा शरीर अग्नि के लपटों में जल रहा है, अथवा एक बाण मेरे हृदय में चलाया गया है। सची माता बहुत दुखी थी, क्योंकि जो है पहले से तो जगन्नाथ मिश्र चले गए थे, और उससे पहले जो बड़ा बेटा है विश्वरूप वो संन्यास ले लिया था, तो देखा जाए तो विश्वंभर के अलावा और कोई तो है नहीं। और जब विश्वंभर रो रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि मेरा शरीर अग्नि के लपटों में जल रहा है, अथवा एक बाण मेरे हृदय में चलाया गया हो। अपनी माता के शब्दों को सुनकर भगवान गौर शांत थे। तत्पश्चात अपनी शैया पर बैठकर उन्होंने स्वप्न में जो देखा उसका वर्णन किया। तो महाप्रभु कुछ स्वप्न में देखे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने श्यामल वर्ण के रूपवान एवं दिव्य कांति युक्त व्यक्ति को देखा। उनके सिर पर मोर पंखों का मुकुट शोभायमान था। उन्होंने कंगन, बाजूबंद, हार एवं चरणों में नूपुर धारण किए थे। उनके मस्तक पर चंदन का लेप था और वे चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। उन्होंने पीताम्बर धारण किए थे तथा अपने बाएं हाथ बांसुरी धारण की थी। मैंने हर्षपूर्वक हृदय से उन बालक का दर्शन किया। यह कहकर भगवान गौर क्रंदन करने लगे। उनके नेत्रों के अश्रुओं की धारा बहने लगी। वे माता से कहने लगे, आप यह किसी से न कहे और किसी को इस विषय में नहीं सुनना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं ना, अपना अपना सपना को जो है पूरा एकदम सबको बताते रहते हैं, है ना, मैंने ऐसे सपना देखा है, हैं। और कई बार लोग कहते हैं, पता नहीं आजकल तो सपने में आते ही नहीं है, मतलब सपना ही उनका सब कुछ होता है जैसे, है ना। तो इसी प्रकार, लेकिन महाप्रभु यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माँ को बता रहे हैं, बता के क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी को बताना नहीं चाहिए। हैं
तो भगवान विश्वंभर के मुख से इन अमृतमय वचनों को सुनकर सची माता आनंद से भर गई। भगवान विश्वंभर के शरीर पर बाल खड़े हो गए और उनका संपूर्ण शरीर प्रकाशमान हो उठा। उसी समय श्री नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर से आकर मिले। तो नित्यानंद प्रभु उस समय श्रीवास ठाकुर के घर में रहते थे, तो वो आके मिले। श्री नित्यानंद प्रभु ने वहाँ आकर भगवान गौर के अति सुंदर रूप का दर्शन किया, जिनके प्रकाशमय महान भुजाएं तथा गहरी नाभि थी। उनके दाएं हाथ में एक गदा तथा एक बाएं हाथ में एक बांसुरी थी, एक अन्य हाथ में पद्म तथा अन्य बाएं हाथ में एक धनुष था। पर नित्यानंद प्रभु ऐसे दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु का। उनका वर्ण पिघले हुए स्वर्ण के समान था और उनके हृदय पर कौस्तुभ मणि शोभा पा रहा था। मकर के आकार के कुंडल उनके दोनों कानों में शोभायमान थे। उनके वक्षस्थल में मरकत मणि का हार शोभा पा रहा था। ऐसे अद्भुत रूप का दर्शन श्री नित्यानंद प्रभु ने प्राप्त किया। श्री नित्यानंद प्रभु ने इस चतुर्भुज रूप का दर्शन प्राप्त किया, परंतु उसमें धनुष बांसुरी और चार भुजाएं नहीं थी। एक क्षण में उन्होंने भगवान गौर को द्विभुज रूप में देखा, जो रूप व्यक्तियों के प्रति अत्यंत कृपामय था। श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप देखकर नित्यानंद प्रभु ने उनका आलिंगन किया और वे नित्य तथा गान करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु पूर्णतः निरंकुश होकर नृत्य करने लगे। वे भावोन्मत्त प्रेम के महासागर में डूब गए थे। जय श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताय की जय, श्री राधा मदन मान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण मान की जय, श्री विष्णुपाल की जय। वो लाइट बंद कर देंगे क्या, मेरे मुंह आंखों पे आ रहा है लाइट। तब भगवान गौर ने कहा, श्रीवास, नारायण, श्री राम और मुरारी, आप चारों नित्यानंद प्रभु के संग चलिए। श्री नित्यानंद प्रभु और अब अद्वैत आचार्य के घर जाएंगे। उन्हें इन सब अचंभ्यों के विषय में बताएं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा सुनकर वे सभी हृदय से हर्षित हो गए। वे सभी श्री नित्यानंद प्रभु के संग हर्षित हृदय से श्री अद्वैत आचार्य के घर शीघ्रतापूर्वक गए। प्रणाम करिया कथा कहिल सकल, सुनिया आचार्य मुख सुखे नाचय बिहोल। दोहे दोहा आलिंगन करय आनंद, आचार्य नाचय सुखे नाचे नित्यानंद। आनंद समुद्रे डुबिला निर्भरी, घन घन हुहुंकार उठाए हिलोली। उन्होंने श्री आचार्य को प्रणाम अर्पित करके सब कुछ बताया। उन भक्तों के शब्दों का को श्रवण करके श्रील अद्वैत आचार्य बिहुल होकर सुखपूर्वक नृत्य करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य ने आनंद पूर्वक एक दूसरे का आलिंगन किया और दोनों ने हर्षपूर्वक नृत्य किया। वे दोनों आनंद के महासागर में डूबे थे। उस महासागर की लहरों से उछलने के कारण उन्होंने गरजते मेघों के समान पुकारा। वैसे देखा जाए चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल में यही सब मिलेगा। ये आलिंगन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, है कि नहीं, या रो रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ये सब मिलेगा आपको, है ना। इसलिए ये प्रेम ग्रंथ है ये सब, है ना। इसको पढ़ने से क्या हो जाता है, प्रेम प्राप्त हो जाता है। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य ने भगवान गौरांग के गुह्य लीलाओं की चर्चा की। बोलते हुए एवं सुनते हुए उनका हृदय उन्मत्त हो गया। इसी प्रकार दो दिन आनंदपूर्वक गुजारे और सभी वैष्णवों ने भगवान हरि के दिव्य गुण आदि का गान किया। सर्वप्रथम श्रील अद्वैत आचार्य के चरणों में निवेदन करने के पश्चात भक्तगण भगवान श्री गौर हरि का दर्शन करने शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। भगवान गौर के समीप जाकर उन्होंने उन सबने आदरपूर्वक प्रणाम अर्पित किया। अपनी हथेलियों को जोड़कर मुरारी ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। श्रील अद्वैत आचार्य के निवास में हुई गुप्त लीलाओं का वर्णन सुनकर भगवान गौर हर्षित हो गए। अगले दिन श्रील अद्वैत आचार्य अपने घर से श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों का दर्शन करने पहुँच गए।
श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में स्थित मंदिर कक्ष में बैठकर कोमलतापूर्वक मुस्कुराने लगे। तत्पश्चात भगवान गौर श्री विग्रह के सिंहासन पर पूर्वक हर्षपूर्वक बैठ गए। उनके शरीर की अंग कांति से कक्ष प्रकाशमान हो उठा। वहाँ पर वो कहाँ बैठ गए? भगवान के सिंहासन में बैठ गए। अद्वैत आचार्य के श्री विग्रह के जो सिंहासन था उस सिंहासन में बैठ गए और उनके शरीर से क्या हो रहा है? झलमल करे घर अंगेर छटा छटा के उनके शरीर से जो है अंग कांति से कक्ष जो है प्रकाशमान हो गया। कोई वहाँ पे एलईडी या है ना दूसरा कुछ लाइट का जरूरत नहीं पड़ा, फोकस लाइट। तप्त कांचन येन श्री अंगेर छवि प्रेमार अरुण येन प्रभातेर रवि दिव्य अलंकार माला सुगंधित चंदन पूर्णिमार चंद्र चिनी सुंदर वदन गदाधर नरहरि दुई दिके रहे श्री रघुनंदन ये श्री मुख चंद्र चाहे चौदिके बेढ़िला भक्त गण तार पासे नक्षत्र बेढ़िल येन द्विज राज हसे नित्यानंद बसिया सम्मुखे प्रेमानंदे बदन हेरिया घन घन हासे कांदे। तो उनका शरीर कैसा था? पिघले हुए स्वर्ण के भांति दीप्तिमान था और आध्यात्मिक प्रेम से पूर्ण उनके देह प्रातकालीन सूर्य के समान रक्त रक्त वर्णित हो गई थी। वे दिव्य आभूषण मालाएं तो एवं सुगंधित चंदन से सुसज्जित थे। उनका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर प्रतीत हो रहा था। उनके दोनों ओर गदाधर पंडित और नरहरि खड़े थे। उस समय श्री रघुनंदन ठाकुर ने भगवान गौरचंद्र के मनोहर मुखचंद्र का दर्शन किया। भक्तों ने भगवान गौर को चारों दिशाओं से घेर लिया जैसे एक चंद्र अनेक तारों से घिरा हुआ हो। अतः यह देखकर भगवान मुस्कुराए। दिव्य प्रेम भगत भगवत प्रेम से अभिभूत श्री नित्यानंद प्रभु भगवान गौर के समक्ष बैठकर उनके श्रीमुख का दर्शन करते हुए जोर जोर से हंसते और अचानक ही गंभीर रूप से रो पड़ते। उस समय श्री अद्वैत आचार्य ने भी भगवान गौरचंद्र के दर्शन करके सिंह के समान उच्च स्वर में गर्जना की। शील अद्वैत आचार्य के संपूर्ण शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उनके हृदय के दिव्य प्रेम दिव्य आनंद को संपूर्ण विश्व भी धारण न कर सका। शील अद्वैत आचार्य ने भगवान गौर के प्रति प्रार्थना की और अनेकों उपहार अर्पित किए। उन्होंने उनके श्री चरणों में विभिन्न प्रकार के उत्तम वस्त्र और आभूषण रख दिए। तत्पश्चात श्री अद्वैत आचार्य ने भगवान गौर के चरणों में तुलसी मंजरियाँ अर्पित करते हुए उनकी आराधना की। उन्होंने सुगंधित वंदन चंदन एवं मालती की मालाएं अर्पित की। अंततः श्री अद्वैत आचार्य ने भूमि पर गिर पर दंडवत प्रणाम अर्पित किया। तब भगवान गौर ने उनको उठाया और उनको आलिंगन किया। भक्तों द्वारा अर्पित पूजा को स्वीकार करके भगवान गौर ने पूजा में प्राप्त भेंट भेंट को भक्तों में वितरित किया। उनके आकर्षक शरीर को वस्त्र एवं विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित कर रहे थे। हरि हरि पुकारते हुए भक्तों के संग नृत्य करने लगे। बोले हरि 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 हरि। श्री अद्वैत आचार्य श्री नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर मुरारी एवं मुकुंद ने भगवान गौर की महिमाओं का गान किया। उस समय सभी वैष्णवगण आनंद से भरे हुए थे। स्वयं को भूलकर उन्होंने दिव्य रस के अमृत का आस्वादन किया। एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, आप परम भाग्यशाली है भाग्यशाली है। उन्होंने निर्विशेष निर्वाण सुख को अत्यंत तुच्छ अनुभव किया। सब एक दूसरे को क्या कहते थे, आह आप कितने भाग्यशाली है, आप कितना भाग्यशाली है। कि नहीं, दिव्य आध्यात्मिक प्रेम में पूर्णतः निमग्न होने के कारण उन्होंने यह नहीं जाना कि दिन है अथवा रात्रि। उनका आंतरिक हृदय आनंद से विह्वल था। उनका भावमय नृत्य सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाता और जब रात्रि आती वे अपना नृत्य जारी रखते। जब पुनः सूर्योदय होता
तो वे तब भी नृत्य कर रहे होते। अरे पीछे बोलेंगे, हे नमते रात्रि दिन प्रेमानंदे भोरा नित्य अवसाने सबे आज्ञा दिल गोरा स्नान देवार्चन सबे करे निज घरे पुनरपि आयस सबे भोजन अंतरे। इस प्रकार दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के आनंद में निमग्न होकर भक्तों ने दिन रात व्यतीत की। अंततः भगवान गौर ने उन्हें नृत्य रोकने का आदेश दिया। ऐसे चल रहा है नृत्य, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है कई समय तक, है ना। बक्रेश्वर पंडित प्रभु जो है वो 72 घंटा तक नृत्य कर सकते थे, कंटिन्यूस 72 आवर्स, है ना। कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। हम तो 2-3 घंटे में, 2-3 घंटा भी हो जाए बहुत हो जाता है। उन्होंने कहा, आप सभी अपने अपने घर लौट जाइए, स्नान करें तथा अपने श्री विग्रहों की पूजा करें, प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात पुनः वापस आइए। महाप्रभु ने कहा कि अब घर तो जाइए, कम से कम घर जाइए, थोड़ा स्नान वान करिए, अपने अपना विग्रह भी है उनको भी पूजा कीजिए, प्रसाद तथा पा के फिर आइए। इस प्रकार भगवान गौर के आदेश का पालन अर्थात अपने कृत्यों को पूरा करने के पश्चात वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों कमलों में वापस आ गए। मन नहीं लगता होगा ना और कहीं पे महाप्रभु के बिना, है कि नहीं। शून्यायतम जगत सर्वम महाप्रभु विरहण में, ऐसा लगता होगा। उस समय श्रील हरिदास ठाकुर, बोले हरिदास ठाकुर की, जो सदैव हर्षपूर्वक हृदय से भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करते, जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के पराग कर्णों को आस्वादन करने वाले उन्मत्त भ्रमर के समान थे, तथा जो आध्यात्मिक रसों के अमृत के आस्वादन से निरंकुश सिंह के समान थे, श्रील हरिदास ठाकुर अनपेक्षित रूप से नवदीप आए। तब प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए भगवान गौर ने कहा, वे आ गए हैं, वे आ गए हैं, वे आ गए हैं। अभी आए नहीं है हरिदास ठाकुर, कहाँ पहुँचे हैं? बस नवदीप पहुँचे हैं। और महाप्रभु क्या कह रहे हैं? वे आ गए हैं, वे आ गए हैं। और फिर उसके बाद जब हरिदास ठाकुर आते हैं, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब श्री हरिदास ठाकुर का प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और उन्होंने बैठने के लिए आसन प्रदान किया। मेरे पीछे दोहराएंगे, सुचतुर हरिदास प्रणाम करे अपने ठाकुर तार कर धरी तुले सुगंधित चंदन अंगे लेपिल ताहार अंगेर प्रसाद माला दिल आपनार भोजन करीते आज्ञा दिले न ठाकुर भोजन करिल महा प्रसाद प्रचुर एई मते हरि नाम गुण संकीर्तने विलसये महाप्रभु आनंदित मने। अत्यधिक बुद्धिमान श्रील हरिदास ठाकुर जब महाप्रभु को झुककर प्रणाम करने लगे, तब भगवान ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके शरीर पर सुगंधित चंदन का लेप लगाया और भगवान ने अपनी ही प्रसादी पुष्पमाला श्रील हरिदास ठाकुर को प्रदान की। मतलब पहले जो है वो चंदन और फूल जो है वो बहुत सफिशिएंट रहता था, है ना कि नहीं। अभी तो हमारे पास इतना इनसफिशिएंट रहता है कि कोई वैष्णव आए तो दौड़ना पड़ता है मार्केट में है कि नहीं। इसलिए मतलब मेरा आइडिया है कि एक बगीचा होना चाहिए, हैं,
मंदिर का एक बगीचा होना चाहिए ताकि इनफ फूल मिले, इनफ फूल और सुगंधित फूल मिले, क्योंकि यहाँ पे तो गया में बहुत कमी है फूल की, पटना में तो कम से कम मिल जाता है ना। हाँ और वैसे देखा जाए दिल्ली वगैरह में तो बहुत फूल मिलता है, दिल्ली में तो कितने बढ़िया बढ़िया फूल है, सब माला बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो बिहार में मैं देखता हूँ वही गेंदा, रजनीगंधा और बेली के समय में बेली और मेरी को क्या होता है वो गेंदा में कह दिया हूँ, हिंदी में कह दिया हूँ मैं तो, और कोई फूल मिलता ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो इसलिए फूलों का एक बगीचा होना चाहिए हमारे पास। तो मतलब उस समय ये सब सफिशिएंट होता था, है ना। चंदन लगा रहे हैं महाप्रभु, किसको चंदन लगा रहे हैं, हरिदास ठाकुर को चंदन लगा रहे हैं ना। ऐसे जगन्नाथपुरी में जब नवद्वीप से भक्तों को पहुँचते थे तो महाप्रभु अपने हाथों से सबका चंदन, सबको चंदन लगाते थे, सबको जो है माला पहनाते थे, है ये ना। महाप्रभु ऐसे आचरण करके सिखाए हैं कि वैष्णव को कैसे वेलकम करना चाहिए, वैष्णव को कैसे प्रेम करना देना चाहिए, है ना। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें प्रसाद सेवन करने का आदेश दिया, तब हरिदास ठाकुर ने प्रचुर मात्रा में महाप्रसाद ग्रहण किए। प्रचुर मात्रा में है ना, यही तपस्या है हमारे लिए क्या? प्रचुर मात्रा में महाप्रसाद ग्रहण करना। इस प्रकार हर्षित हृदय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान हरि के पवित्र नाम का उच्चारण की, संकीर्तन लीलाओं का रसास्वादन किया। भगवान गौर ने श्री हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर और आदि भक्तों के समेत दिव्य प्रेम के आनंद में दिन रात्रि व्यतीत की और अंत में श्री अद्वैत आचार्य से कहा, कृपया आप सब अब घर लौट जाइए, यह कहकर उन्हें विदा किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त कर श्री अद्वैत आचार्य घर चले गए। जिसने भी इन लीलाओं का दर्शन किया अथवा श्रवण किया वो आनंद से बिहोल हो गया। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु ने भगवान गौर से विदा ली। श्री नित्यानंद प्रभु के संग चलते चलते महाप्रभु भाव विहोल हो गए और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को अधिक दूर जाने नहीं दिया। श्री नित्यानंद प्रभु भगवान गौर को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु उन अनेक यत्नों के पश्चात भगवान गौर ने उनसे विदा लिया। वहाँ से जाते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु से कहा, कृपया अपने कौपिन का एक भाग इन भक्तों को प्रदान करें। ये भी एक आशीर्वाद रहता था। कौपिन प्रसाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु ने तुरंत ही भक्तों को अपने कौपिन का एक अद्भुत भाग प्रदान किया। श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा प्रदत्त कौपिन को स्वीकार कर श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए तथा उस कौपिन के टुकड़े टुकड़े कर उन्होंने अपने सभी पार्षदों में बांट दिए, है ना। अद्भुत लीलाएं हैं। उस कौपिन प्रसाद को प्राप्त कर भक्तों ने अत्यधिक आनंदित होकर उसे अपने अपने सिरों में बांध दिए। अरे बाप, कितना बड़ा था क्या। अततः श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों से विदा लेकर भगवान गौर के पार्षद अपने अपने निवास लौट गए। वे सभी विषाद युक्त हृदय से अपने निवास लौट आए। जैसे वे अपने निवास में बैठे वैसे ही उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। कुछ समय उन्होंने स्नान आदि किया तथा अपने श्री विग्रहों की पूजा की, परंतु सूर्यास्त के समय वे सभी फिर भगवान गौर हरि का दर्शन करने आ गए। घर में मन लगता ही नहीं था, है ना। श्री नित्यानंद प्रभु तब श्रील अद्वैत आचार्य के घर गए। अत्यधिक हर्षित होकर दिन रात उन्होंने भगवान गौरांग की चर्चा की। आप सब कृपया एक अन्य दिन घटित लीलाओं की कथा सुनिए। सुनेंगे ना। जिसका श्रवण करने मात्र से व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है। जय
लोचनदास ठाकुर की जय। सुनेंगे? रेडी? अच्छा, पर पीछे दोहराइए। लोकवेद आविदित अपरूप कथा अमृत रसार एई गोरा गुण गाथा। देखी निज जने प्रभु आलिंगन दिया आपनार गुण सुनी बुलाए नाचिया। चतुर्दिके सब जन सुखे नाचे गाय आनंदे विभोर माझे नाचे गौर राय। आचंबित श्रीनिवास कर धरि करे कति गेला नाही जानी प्रभु विश्वम्भरे। गौरा महाप्रभु की कथा अमृत का सार है। उनकी कथा साधारण जनमानस और वेदों के लिए भी अगम्य है। एक समय अपने पार्षदों को देखकर भगवान गौर ने उनका आलिंगन किया। अपनी ही महिमा का उच्चारण सुनकर वे भावोन्माद में नृत्य करने लगे। चारों दिशाओं में सभी भक्तों ने अत्यधिक हर्षपूर्वक नृत्य तथा गान किया। उन सभी के मध्य में भगवान गौर राय आनंद से विभोर होकर नृत्य करने लगे। भगवान विश्वम्भर नृत्य करते करते शिवास पंडित का हाथ अपने हाथ में पकड़कर अचानक उस स्थान को छोड़कर कहाँ चले गए और कोई नहीं जानता। अचानक किसके हाथ पकड़े थे? शिवास के। अच्छा, चारों दिशाओं में नृत्य करते कीर्तन करते हुए भक्तों ने देखा कि उनके मध्य में महाप्रभु नहीं है। भगवान गौर को न देखकर वे भयभीत हो गए और व्याकुलता से क्रंदन करने लगे। और रासलीला में सुने थे, है ना? अब यहाँ पे भी हो रहा है, ये भी रासलीला ही है ना? महाप्रभु के वियोग में सभी भक्तगण अस्थिर होकर भूमि पर लोटपोट होकर क्रंदन करने लगे। नवदीप के लोग पागल हो गए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने के लिए वे घर घर में दौड़ने लगे, परंतु उन्हें भगवान प्राप्त नहीं हुए। उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुपात हो रहा था। वे महाप्रभु के वियोग में कहने लगे, मेरे स्वामी, मेरे प्राण गौरांग कहाँ चले गए? हम सब विष पीकर प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार भक्तों ने तीव्र विलाप किया। इन विलापों को सुनकर सची माता दौड़ी तथा मूर्छित हो गई। उनके वस्त्र सुव्यवस्थित नहीं थे, उनके केश भी खुले हुए थे। अत्यधिक दुखी होकर वो अपनी छाती पीटने लगी और उन्मत्त पागल की तरह अपने पुत्र भगवान गौर के वियोग में दौड़ पड़ी। सची माता ने पुकारा, हे पुत्र, मेरे प्रिय पुत्र, हे विश्वम्भर, अपने घर वापस आओ। तुम्हें गए दो पहर गुजर गए हैं। दो पहर मतलब 6 घंटे। हे विश्वम्भर, तुम हमारे कुल के दीपक हो, तुम नदिया के चंद्र हो, तुम मेरे नेत्र के तारे हो। तुम्हें न देखने के कारण मैं अंधी हो जाऊंगी। सभी भक्तों की अपने प्रति दिव्य प्रेम की व्याकुलता देखकर भक्त वत्सल भगवान गौर अचानक उन सभी के समक्ष प्रकट हो गए। गौर हरि। जैसे एक सूर्य घन अंधकार में अचानक प्रकट होता है, उसी प्रकार भगवान गौर वैष्णव के हृदय में अचानक प्रकट हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में गिरते हुए कुछ भक्तगण उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे तथा अन्य कुछ भक्त उनके श्रीमुख को देखकर उन्मादवश नृत्य करने लगे। मेरे पीछे दोहराइए, केहो बोले महाप्रभु तोर पद विने अंधकार दस दिक ना देखी नयने। उन्मत्त पागली सची पुत्र को लेकर लक्ष लक्ष चुंब देल वदन कमले। कुछ भक्तों ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमलों के बिना
और आपको न देखकर दसों दिशाएं अंधकार से भर जाती है। अब उन्मत्त हुई सची माता ने अपने पुत्र का आलिंगन किया और उनके मुख कमल के लक्ष लक्ष बार चुंबन दिया। सची माता की मैं एक अंधी स्त्री हूँ और तथा तुम मेरे चलन की छड़ी हो, तुम ही मेरे नेत्रों में चमकने वाले तारे हो, तुम ही मेरे देह की आत्मा हो तथा तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई नहीं है। सची माता ऐसे कहती है, तुम्हारे बिना मेरा संपूर्ण संसार शून्य हो गया था, परंतु अब गौर चंद्र के उदित होने से संपूर्ण घना अंधकार नष्ट हो गया है। मेरे पीछे द्वारा ये मुरारी मुकुंद दत्त आर हरि दास विनय करिया कहे सुन श्रीनिवास तुमा वही नाहिक प्रभुर प्रिय दास तुमार प्रसाद एई चरण प्रकाश आमी सबा तुमारे की कहिवार जानी आपन बलिया दया करिबे आपनी इहा बोली सब मेली हरि गुण गाए प्रीत पागल होया नाचे गौर राय हेन अद्भुत कथा सुन सर्वजन नवद्वीप परचार प्रीत रतन। मुकुंदत मुरारी हरिदास ठाकुर ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे श्रीवास कृपया हमारे शब्दों को सुनो, आपके बिना भगवान गौर को अन्य कोई सेवक प्रिय नहीं है, आपकी कृपा से ही भगवान के चरण अब हमारे समक्ष खड़े हैं, हम सब आपसे क्या कह सकते हैं, कृपया हमें अपना जानकर हम पर कृपा करें। इन शब्दों को कहकर हर किसी ने भगवान हरि की महिमाओं का गान किया। भावनमत आध्यात्मिक प्रेम में उन्मत्त होकर भगवान गौर राय ने नृत्य किया। कृपया सभी इस अद्भुत कथा को का श्रवण करें कि कैसे भगवान गौर ने नवद्वीप में भगवत प्रेम के रत्न को प्रकाशित किया। त्रिजगते दुर्लभ प्रभुर प्रेम भक्ति हेन जने के बाछे लभी बारे शक्ति लक्ष्मी अनंत की बा शिव सनातन ए प्रेम भक्ति रके हो ना जाने मरम हेन प्रेम भक्ति प्रभु करे प्रकाश आनंद हृदय कहे ए लोचन दास। शुद्ध भगवत प्रेम एवं भगवत भक्ति तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है, उसे प्राप्त करने की शक्ति किसमें है? स्वयं लक्ष्मी देवी अनंत शेष शिव जी एवं सनत कुमार भी इस प्रेमा भक्ति के मर्म को समझ नहीं पाते। हर्षपूर्वक हृदय से शिललोचन दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान गौर ने शुद्ध प्रेमा भक्ति के विषय में सत्य को प्रकाशित किया। जय शिललोचन दास ठाकुर की जय। श्री श्री चैतन्य मंगल की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर चितनात्रि।